हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी के फेवरेट सेशन में, फेवरेट क्लास में। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर कर दो, उसके बाद से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कल क्लास क्यों नहीं हुई थी? ये वाली हुई थी भाई, कौन ने बोला कल नहीं हुई थी? बस ये ना कि तुम लोग वेट करते रहते हो कि हमारे घर में इन्विटेशन कार्ड आए, है ना, हमें कार्ड भेजे, बुलाया जाए तब हम आए पढ़ने के लिए। नोटिफिकेशन का वेट करते हो, इसीलिए क्लास मिस हो जाती है ना। तो भैया मेरे, नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, क्लास डेली होती है। फिर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कभी कभी यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, कभी कभी नहीं आता, इसीलिए आप लोग की क्लास मिस हो जाती है। ठीक है, तो क्लास आपकी कल भी हुई थी, है ना, डेली होती है और कल भी हुई थी। तो बस वेट करते रह जाओगे अगर, तो फिर वेट ही करते रह जाओगे, इस बात का सोच लेना। तो वेट नहीं करना है, क्लास में टाइम से ज्वाइन करना है। डेली होती है क्लास, कल भी हुई थी। ठीक है, तो क्लासेस हमारी अभी कहाँ कहाँ चल रही, कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रही वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, और क्या कहते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पर क्लासेस चल रही हैं वो बता देती हूँ, और जो भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है कौन से क्लासेस किस किस टाइमिंग्स पर हो रही है वो बता देती हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ वही तो, कुछ लोग वेट करते रहते हैं नोटिफिकेशन का। भाई नोटिफिकेशन का वेट क्यों करते हो? 9 बज जाए जैसे वैसे क्लास में आ जाए करो, नोटिफिकेशन का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे 9 बजे क्लास में शुरू आ जाओ, वैसे तुरंत से 9 बजे का टाइम ही रहता है इस वाले क्लास का, तो वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो ओके। तो क्लास का जो टाइमिंग है वो आप लोग का इस चैनल का, वो है हमारे 9 बजे का, सुबह में रहता है 10 बजे का। दो टाइमिंग्स पर चलती है क्लासेस इसी चैनल पर, वाईफाई पर, वाईफाई स्टडी पर। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम बात करें ये वाला टेलीग्राम चैनल, कुछ लोग तो इससे भी बेखबर हैं। यहाँ 40,000 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ से भी बेखबर हैं, इस चैनल से भी। कम से कम इसी में जुड़ जाओ यार, सर्च कर लो, ज्वाइन कर लो, इसी में लिंक आ जाती है। जो भी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है मैं लिंक पहले ही शेयर कर देती हूँ इस वाले ग्रुप में, तो कम से कम क्लास तो नहीं मिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी जुड़ जाओ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे आते हैं हम लोग। ये जो हमारे अनअकैडमी पे इस समय टॉप टॉप के क्लासेस चल रहे हैं, कल भी हुए थे, डेली फ्री लाइव सेशंस अनअकैडमी सुबह 11 बजे ले रहा है, 4 बजे मैं ले रही हूँ फ्री, अनलिमिटेड कितनी भी पढ़ाई करो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं। ठीक है, 10 बजे रात को होता है टॉपिक वाइज, और 11 बजे रहता है स्पीड बूस्टर सेशन। तो कितने लोग आज ज्वाइन करने वाले हैं 10 बजे की टॉपिक वाइज क्लास को, रितिका 10 कोड लगा के ज्वाइन कर सकते हो। रितिका तोमर यहाँ पर आप नाम सर्च करें और ज्वाइन करें। ठीक है, आज का सेशन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले, क्लॉक एंड कैलेंडर सारे एकदम बेसिक ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं 10 बजे से इसी के बाद, और 10 बजे का लिंक भी लगवा दिया, देखो। ठीक है, दिख रहा है सभी को लिंक 10 बजे का लगा हुआ है, तो यहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो इस लिंक पर क्लिक करके भी, और जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ से भी, क्योंकि टेलीग्राम पे भी मैं लिंक तो डाल ही देती हूँ, है ना। तो चाहे तो आप इस लिंक पर क्लिक करके जुड़ना, चाहे आप इस टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना डायरेक्टली, तो भी आप लोग को मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोड अगर पूछे तो रितिका 10 लगाना, क्लास बिल्कुल फ्री है, ये चारों क्लासेस पर डे हमारी फ्री रहती है। ठीक है, तो टाइमिंग वगैरह लिख लो, टेलीग्राम नोट कर लो, और हमारे क्लासेस में डेली ज्वाइन कर सकते हो। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, क्लॉक कैलेंडर का सेशन है हम लोग करने वाले हैं। सो रेडी वाला कमेंट कर दो, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। 10 बजे वाला क्लास हम अपना ऐप पर करेंगे। ठीक है, 10 बजे वाला जो हमारा क्लास है वो ऐप पर होता है, आप लोग ऐप को ज्वाइन करके हमारा क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके, हाँ क्लास ख़त्म नहीं हो रही है, क्लास अभी चालू होने वाली है, यही नहीं पता रहता कि ख़त्म होती है कि चालू होती है। चालू होती है 9 बजे से, तो अभी चालू हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए, कुछ नहीं पता रहता, ऐसे ही चल रही है कहानी, कुछ नहीं मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं है, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, दुनिया में ऐसे ही चल रही है दुनिया। चलिए आज एनालॉग की सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स का सेशन है ना, तो स्टार्टिंग करते हैं मिक्सअप क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये है, टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ फिर लगाइएगा, है ना। चलो चलो शुरू करो, आंसर देना शुरू करो, बातें बंद करो, बाकी की बातें लास्ट में कर लेना। तुम लोग लास्ट में भी करते हो ना, शुरुआत में भी करते हो, लास्ट में भी बातें करते हो, तो लास्ट में कर लेना। अभी अभी क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू कर दो। चलो चलो, पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है बताइए, पहला क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड है, सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा। देखो यार, यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो मिडिल वाले वैल्यूज़ हैं आपके, वो शुरुआत में आ रहे हैं हर बार, फिर से मिडिल वाले वैल्यूज़ शुरुआत में आ गए, फिर से मिडिल वाले वैल्यू शुरुआत में आ गए। देखो यार, अब की बार फिर से मिडिल वाला नंबर शुरुआत में आ जाएगा, स्टार्टिंग में 1 लास्ट में रहेगा, और 3 बचा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये बनेगा सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है,
सेकंड वाले पे टिक कर देना। चलो इस वाले को बताइए भाई क्या बनेगा यहाँ पे, चेक करें सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। टाइमिंग से थोड़ा क्लास में आया करो, 9 बजे का टाइम रहता है ना। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, लाइक शेयर कर देना सारे लोग सेशन को। चलो बन गया। 10 का 22 से रिलेटेड करो, मैंने कहा था टर्म्स को एक दूसरे से रिलेट करा करो, जोड़ने की कोशिश करो, उनसे रिलेट बनाने की कोशिश करो। कैसे? जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2 कर दोगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करके 44 आएगा, 2 जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये सेम मेथड लग रहा है पूरे में, तो आप लोग भी कर सकते हैं। 94 का इंटू 2 से करेंगे प्लस 2 कर देंगे, तो आप लोग के सामने यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर? 190। और याद रखा करो कि ऐसा ही एक टाइमर चल रहा होता है एग्जाम में, तो इस टाइमर के अंदर आंसर देने का क्वेश्चन किया कोशिश किया करो, ठीक है। हाँ, क्लास का टाइम रात का 9 बजे का है। हो गया, क्या बना है इस वाले में चेक करिए। 40 के बाद अचानक से 60 आ जाओ और 47 आ जाओ, एकदम बढ़ रहा हो एकदम घट रहा हो, तो समझ जाओ कि दो सीरीज भी चल सकती हैं। दो सीरीज यहाँ पे डायरेक्टली चल रही है ना। कैसे? एक तो ये वाली चल रही है, देखो 7-7 ऐड हो रहे हैं, एक ये वाली चल रही है, 7-7 कम हो रहे हैं, 7 कम कर दो यहाँ पे, -7 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 46। ठीक है, सबका आंसर 46 है इस वाले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वाले में निकालो भाई, इस वाले में आप दो मेथड लगाओगे, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। दो मेथड आप यूज़ कर सकते हो, मैंने दोनों बताए, डिफरेंस वाला भी और मल्टीप्लाई वाला भी, दोनों से आंसर सेम आएगा, चेक कर सकते हो आप। हो गया, अब देखो यहाँ पे पहले डिफरेंस वाला कितने का डिफरेंस है, 5 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 80 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का, हर बार 4 गुना डिफरेंस बढ़ रहा है, यानी 5 के बाद सीधे 4 गुना 4 गुना, तो 80 का 4 गुना कितना होता है, 320 जोड़ेंगे सीधे से, 107 में 320 जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 427। दूसरा लॉजिक, ये पहला लॉजिक इससे भी निकाल सकते हो, या फिर दूसरा लॉजिक ये भी है आप लोग का, 2 की टेबल में 8 आता है, 7 नहीं आता, 8 तो आता है या 6 आता है, 7 की टेबल में 28 आता है, यहाँ से समझ जाओ, 4 गुना करने पर 28 आता है, एक घटा के लिखो, यहाँ भी 4 गुना करने पर 8, एक घटा के लिखा हुआ है, यहाँ भी 4 गुना करने पर एक घटा के लिखा हुआ है, तो फिर अगला भी पहले 4 से गुना करेगा और लास्ट में एक घटाइएगा, तो फिर आपका आंसर यहाँ से भी 47 आ जाएगा, 427 आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ये वाला भी क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे बताइएगा क्या बनेगा आंसर आपका, चेक करें सभी लोग। चलो बन गया, वेरी गुड। हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखो तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे हो रहा है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है, देखो मिडिल में लिखा है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करके मिडिल में लिखा है, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करके मिडिल में लिखा है, तो आप लोग भी लिख दो। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करके अगर आप मिडिल में लिखेंगे तो 25 आएगा, तो आप देख लो ये वाली संख्या कहाँ लिखी हुई है, 5 2 2 5 5 2 5 5 सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, एक और बताओ भाई यहाँ पे। डन, अभी भी आ चुका है आप लोगों का क्वेश्चन, 8 की टेबल में 16 आता है, वही डबल करने पर +1 किया, 17 की टेबल में 34 आता है, डबल करके +2 किया हुआ है, इजी है,
यहाँ पे भी डबल करके लेकिन प्लस 3 लिखा हुआ है, तो अगला हम लोग कितना करेंगे 75 का डबल करेंगे और प्लस 4 कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ तक कितने लोगों के सही हुए सारे? हाँ, ये वाला क्लास इसी टाइमिंग पे होता है डेली डेली, शाम को 9 बजे के टाइमिंग पे, है ना। बस आप लोग क्या करा करो, थोड़ा सा नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, टेलीग्राम से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। बाकी क्लास का टाइम हमारा फिक्स है, रात को रोज़ाना रहती है, सैटरडे संडे को भी रहती है, तो नोटिफिकेशन का वेट करना बेकार है, फिर छूट जाती है क्लास, फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद वाली क्लास भी है 10 बजे अनअकैडमी पर, फ्री है ऐप, 11 बजे भी रहती है। तो आज 10 बजे वाली भी हमारी क्लास है, 11 बजे भी है, स्पीड बूस्टर वाला 10 बजे टॉपिक वाइज है। तो आज के टॉपिक में आप लोग क्लॉक कैलेंडर का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, क्लॉक कैलेंडर, ठीक है, आज आप क्लॉक कैलेंडर का बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा सेशन देखोगे, बहुत मज़ा आएगा, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट सेशन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग करिएगा, 10 बजे वाला लिंक सभी को दिख रहा है, कितने लोग आने वाले, यस कर दीजिए एक बार, ये दिया हुआ है आप लोगों का। ठीक है, ये आप लोगों का लिंक दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, रितिका तोमर ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हर क्लास का लिंक आ जाता है। वेट नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कुछ लोग वेट करते रहते हैं 9 बजे का कि नोटिफिकेशन आ जाए, तब नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है, बस इतना ही है। ठीक है, कभी आता है कभी नहीं आता, कभी दूसरी क्लासेस का आ जाता है तो मिस हो जाता है, तो क्लास हमारी डेली रहती है, चाहे तो आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें तो बेस्ट है। ये वाली क्लास अगली क्लास होगी 10 बजे से, फ्री टॉपिक वाइज ऐप पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किया था ना हमने, किया था, चलिए अगला करिए। हाँ, RPF के लिए कर सकते हो, अजीत भाई जो आपके नाम में पाल का मतलब है ना, ठीक है, जो आपके नाम में पाल का मतलब है ना अजीत भाई, वही मेरे नाम में तोमर का मतलब है। ठीक है, जो आपके नाम में पाल का मतलब है वही मेरे नाम में तोमर का मतलब है, समझ गए? अब इतना तो दिमाग लगा ही लो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। तोमर का मतलब क्या है? वही जो तुम्हारे नाम में पाल का मतलब है वही मेरे नाम में तोमर का मतलब है, सीधी सी बात है, आ गया होगा समझ में। चल ये क्या लिखा हुआ है, पहले तो ये फाइंड आउट करो कि ये सभी स्क्वायर वैल्यूज लिखी हुई है, राइट, लिखी है, समझ गए? क्या बात है यार, बहुत जल्दी समझ गए, वेरी गुड। यहाँ क्या है, 17 का स्क्वायर, यहाँ 18 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ओके, फिर यहाँ लिखा हुआ है 23 का स्क्वायर, याद होंगे तो जल्दी हो जाएगा ये सवाल, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 24 का। अब ये किस पैटर्न पर लिखे हैं वो पैटर्न समझना ज़रूरी है। पहले तो हमने समझा कि ये सभी स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, पूर्णतः परफेक्ट स्क्वायर जिनको हम कहते हैं वो लिखा हुआ है, लेकिन अब इसका पैटर्न क्या चल रहा है वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। तो इसका पैटर्न आप देखो, 11 के बाद 12 लिखा है, 17 के बाद 18 लिखा है, 23 के बाद 24 लिखा है, ये तो कंटिन्यू नंबर्स लिखे, लेकिन बीच में जो गैपिंग चल रहा है वो देखना पड़ेगा। 12 और 17 के बीच देखोगे 5 का अंतर आ रहा है, ठीक है, अच्छा 18 और 23 के बीच में भी 5 का ही डिफरेंस है, यानी जब अगला डिफरेंस होगा वो भी 5 का ही होगा, क्यों? क्योंकि एक का डिफरेंस फिर 5 का, फिर एक का अंतर फिर 5 का, अब यहाँ एक का हो चुका है तो अगला 5 का होगा, तो यानी 5 का डिफरेंस निकालिएगा। 24 के बाद सीधे 29 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, जो कि ये रहेगा, ये वाला आंसर गलत है, कई सारे लोग ये जो आंसर दे रहे हैं डी वाला वो थोड़ा रॉन्ग है ना, ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इसका जो आंसर आएगा राइट, है ना, वो आएगा आप लोगों का कितना, सेकंड वाला, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सेकंड वाले को, इस वाले को ट्राई करते हैं, चेक करो भाई क्या आएगा यहाँ पे आंसर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
हो गया। चलिए कितना बन रहा है भाई, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? देखो यार, यहाँ तो आपका गैपिंग कम होती जा रही, पहले गैपिंग फाइंड किया करो सारे क्वेश्चंस में। सबसे पहले आप लोग गैप फाइंड किया करो, कितने का गैप या कितने का अंतर आ रहा है। यहाँ 11 कम हो रहे दिख रहा होगा, यहाँ पे 13 कम हो रहे हैं सीधे, तो अगला 15 ही कम हो गया। 11 के बाद 13 के बाद तो सीधे 15 कम हो सकता है। 15 लेस कर दो, यहाँ पे कितने आएंगे? 15 लेस करने के बाद सीधे 71 आएंगे, 71। ठीक है, ये तो हो गया, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, ये तो बिल्कुल पेन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इस वाले में तो कराया हुआ है काफ़ी बार, है ना? तो इस वाले में पेन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। निकालिए निकालिए निकालिए। हो गया, ये आधा लिखा है, उसके बाद प्लस टू, ठीक है, फिर उसके बाद आधा लिखा हुआ है, फिर दो जोड़ दिए, तो आपकी बार आधा करो। 28 का आधा करोगे तो 14 आ जाएगा। स्पीड कैसे बढ़ाए? स्पीड आप तभी बढ़ा सकते हो जब आप अकेडमी की क्लास करते हो। मैं ये बोल नहीं रही हूँ, आप लोग करके देख लो 10 दिन और आज की स्पीड और 10 दिन बाद की स्पीड चेक कर लेना। खुद अनअकैडमी की क्लासेस करो, फ्री चल रही है अनलिमिटेड इस समय। वहाँ पे क्या रहता है, हम लोग पोल सिस्टम के थ्रू क्लास करते हैं, पोल्स देते हैं, तो 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर करना हम लोग सीख जाते हैं। तो 10 दिन करके देख लो, फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी पे, डेली चलती है हमारी 10 PM रात को, 11 बजे रात को, सुबह में 11 बजे और एक शाम को 4 बजे, ठीक है? तो अनअकैडमी के रेगुलर क्लासेस करो, फ्री वाली, अपने आप ही आप लोग की स्पीड बढ़ जाएगी, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये लिखा हुआ है टाइमिंग्स भी, 4 बजे भी है, 11 बजे भी, ये टॉपिक वाइज वाली 10 बजे लगती है इसी के बाद, ठीक है? डेली करना शुरू कर दो, अपने आप स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। चलो चलो चलो, इसका आंसर करो भैया, ये तो इसमें सोचना भी नहीं है, ये भी पहले वाले जैसा ही, इसके बाद वाला ही। 3 से अगर 12 आ रहा है तो समझ ही सकते हो कि 4 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 3 का गुणा हो रहा है डायरेक्टली, है ना? यहाँ पे आपका 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगला कितने का होगा? 6 का, तो 16 × 6 करो, कितना हो जाएगा? 360, ठीक है? चलो ठीक है, इस वाले का बताइएगा। हाँ, ये लगा है ना ऊपर आपके कमेंट सेक्शन पे, जहाँ आप आंसर करते हो वहीं 10 बजे वाले क्लास का लिंक लगा रहता है। यूट्यूब से इसको इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि आप सब लोग डायरेक्टली यूट्यूब के बाद सीधे ऐप पर पहुँच जाइए और क्लास करिए, ताकि आपका स्पीड बने, रिदम बने, ठीक है? इसलिए यूट्यूब के बाद ही इसको कनेक्ट करके रखते हैं हम लोग, और लिंक आपके कमेंट सेक्शन पर लगवा देते हैं ताकि आप लोग को ढूंढना भी ना पड़े। फिर भी ढूंढना पड़े तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, रितिका तोमर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली लिंक निकाल सकते हो, वहीं पर मैं अभी शेयर करूँगी 10 बजे। चलो हो गया इसका आंसर, 236 आ रहा है क्या? ठीक है यार, देखो यहाँ पे 25 का अंतर आ रहा है। कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर निकालते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर, है ना? तो यहाँ पे भी 26 का अंतर आ रहा है, सही है? नहीं 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 सॉरी, 23 का और 24 का आ रहा है, 23 का आ रहा है यहाँ पे, 24 का आ रहा है यहाँ पे, यहाँ आ रहा है 25 का, है ना? अगला आएगा 26 का, राइट? 26 जोड़ देना, फिर 210 में 26 जोड़ोगे तो 236 आ जाएगा। रोज की क्लास का टाइमिंग यही है जो लिखा हुआ है सामने, 9 PM यहाँ पे, डेली 10 PM भी डेली ऐप पर, अनअकैडमी पर लिख दिया है ना, यहाँ पे रोज 9 बजे, ऐप पर 10 बजे। चलो चलो चलो, जल्दी फास्ट फास्ट करना है इस वाले का, इसमें भी अच्छा ऐसा वाला पता है, जो है आजकल जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें भी इस तरीके के पैटर्न काफ़ी सारे आ रहे हैं, बता देती हूँ, ठीक है? हाँ, ये वाला डिफरेंस ही होगा, 1, 4 का अंतर, 9 का अंतर, समझ गए होगे, तो स्क्वायर वाली सीरीज है, स्क्वायर जुड़ रहे हैं, 1 का स्क्वायर जुड़ा, 2 का स्क्वायर जुड़ा, 3 का स्क्वायर जुड़ गया यहाँ पे, तो अगला 4 का स्क्वायर, 3 का, 4 का स्क्वायर जुड़ेगा 16,
16 को जोड़ेंगे, ठीक है। हाँ तो 29 में 16 को जोड़ दीजिए, फिर कितना आ जाएगा, 29 में 16 को जोड़ोगे 45 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, एक बार बताइएगा मुझे, यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर है, डन। टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है, लिख लेना टाइमिंग। हाँ मेरी अनअकैडमी की सारी फ्री क्लासेस चलती हैं, जितनी भी टाइमिंग्स बताई गई हैं वो अनअकैडमी की फ्री क्लासेस चल रही हैं। प्लेलिस्ट भी होती है, अगर आप उस समय नहीं देख पाते तो बाद में भी देख सकते हो किसी भी क्लास को, ठीक है। चलो क्लियर है, लाइक कर देना सारे लोग, क्लियर है, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, इसको बताइए, अब यहाँ भी कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। ये आपका 11 का स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है 21 का, बस इतना ही समझ गए तो आगे का समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच भी सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, कॉमन सेंस क्या है, जब 11 का और 21 का लिखा है, ये 1 का मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पे सोचो 31 का ही लिखा हो सकता है और ये 41 का ही लिखा होगा। इतने किसी को याद नहीं रहते, लेकिन यहाँ तक तो सबको याद रहता है। अरे इतना भी नहीं याद रहता तो यहाँ तक तो याद रहता ही है। तो अगला कितने का आएगा, 51 का आएगा, 51 का स्क्वायर लिख देना बस, मल्टीप्लाई करके 2601 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको बताओ, हाँ जी, देखो यार, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला लगाना ही है, ऊपर 2, 3 जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं तो 5 जुड़ेंगे, और नीचे 4 जुड़ रहे हैं, 6 जुड़ रहे हैं, 8 जुड़ रहे हैं तो नीचे सीधे 10 जुड़ जाएंगे, सिंपल। 16/31 आएगा इसका आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया होगा। चलो इस वाले को चेक करो, ये वाले को निकालिए भाई, ईजी है, आराम से निकाल सकते हो, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से चेक करो, निकालो। हो गया, यहाँ पर मान लो डिफरेंस से नहीं आ रहा है, जब भी कभी डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं आए तो आप लोग इस तरीके के पैटर्न भी लगा सकते हो, जैसे स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर माइनस 1, क्यूब प्लस 1, क्यूब माइनस 1, ठीक है, या क्यूब प्लस 2 माइनस 2, तो बस ये वही वाला था। यहाँ देखो, कभी कभी स्क्वायर और क्यूब करके वही संख्या को घटा भी देते हैं और ऐड भी कर देते हैं, जैसे ये है 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें 3 कम करके लिखा है, 5 के क्यूब में से 5 कम करके लिखा है, यहाँ पे, यहाँ 6 के घन में से 6 ही कम करके लिखा हुआ है, यहाँ 2 के घन में से 2 को कम करके लिखा है, समझ रहे हो, यहाँ 1 के क्यूब में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे अब आएगा कितना, 4 के क्यूब में से 4 ही घटा दो, यानी 64 माइनस 4 बराबर आ जाएगा आपका 60, ठीक है, 60 बनेगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो इस वाले में बताओ भाई, यह वाले पे कौन सी आ रही है, चेक करो, ये भी रिलेट कर सकते हो एक दूसरे से जोड़कर, ठीक है, रिलेट करके कर सकते हैं।
हो गया आ गया 15 के टेबल में 60 आता है कि नहीं, बस यही सोच सकते थे कि इंटू 4+4 कर रहा होगा, 4 के टेबल में इंटू 3 12 आता है, प्लस 3 कर रहा होगा, बस यही पैटर्न लगाना था यहाँ पे इंटू 2+2। तो अगला कितना करेंगे, 64 इंटू 5+5, अब की बार ये रहेगा इंटू 5+5, ये सीरीज चल रही है तो यहाँ पर आ जाएगा 71 नहीं 325। ठीक है, MTS के लिए ये क्लास कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो आराम से, हाँ MTS के लिए कर सकते हो, ये क्लास डेली लगती है। MTS तो लगा है, थंबनेल पे लिखा हुआ है भाई, क्लास के थंबनेल पे ऊपर लिखा है CHSL MTS, थंबनेल नहीं पढ़ते हो तुम लोग, है ना, ऐसे ही आ जाते हो बिना पढ़े, चलो कोई नहीं। ओके नेक्स्ट, और इसके बाद वाली गाइज आपकी जो क्लास है 10 बजे वाली, टॉपिक वाइज वाली, आज का टॉपिक है क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है, भूलना नहीं, इसके बाद ही लगेगा क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है। चलिए बताइए इस वाले को क्या रहेगा, जिनको बेसिक से पढ़ना है वहीं पे पढ़ सकते हैं। इसको बताइए भाई इसका क्या पैटर्न है, पैटर्न भी बताओगे तो और भी अच्छा रहेगा, अगर मान लो इसका पैटर्न बता दो तो क्या पैटर्न लग रहा है इसमें, डिफरेंस रिलेट करने वाला भी, अगर 10 का 24 से आप बना सकते हो तो बहुत आसानी से बना सकते हो, इंटू 2+4, 24 का डबल करने पर 48 आता है, 4 भी जुड़ रहे हैं, यानी यही जुड़ रहा है कॉन्स्टेंट टर्म, देखो पिछले वाले में क्या था, बढ़ रहा था, देखिए जो हमारा पिछला क्वेश्चन था ना उसमें देखो बढ़ रहा था हर बार, इंटू 2+2 इंटू 3+3 इंटू 4+4 इंटू 5+, लेकिन इस वाले में जो अभी वाला क्वेश्चन है उसमें कॉन्स्टेंट है, एक ही चीज़ बार बार हो रही है, जैसे यहाँ पे भी 3 की टेबल में 6 आता है प्लस 4, बार बार यही हो रहा है, तो लास्ट वाला भी कर दो, 108 का पहले डबल करो फिर 4 जोड़ दो, तो आप लोग का यहाँ पे क्या आएगा 220, ठीक है 220 पहले डबल करें फिर जोड़ें, है ना। तो क्लॉक कैलेंडर के लिए सारे लोग रेडी हैं, यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, दिख रहा होगा सभी को आपके कमेंट सेक्शन पे, ऊपर ब्लू कलर का लिंक लगा है जहाँ आप आंसर कर रहे हो, 10 PM फ्री क्लास अन अकेडमी पर, उसके बाद 11 बजे रहती है स्पीड बूस्टर वाली, जिनको अपनी स्पीड बढ़ानी है वो 11 बजे कर सकते हैं ऐप पर डेली डेली डेली, ठीक है। चले तो अभी टाइम है 10 बजे वाले में, तब तक मैं आप ये पढ़ो जरा, फिर उसके बाद करते हैं। देखो यार 20वां सवाल चल रहा है कितनी जल्दी, आज आधे घंटे में हमने 20 क्वेश्चंस कर डाले, है ना। करो फटाफट से इसको, क्या बनेगा इसमें, कोई बात नहीं, जब आपको टर्म्स यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे तो इधर ही सही, 10 के टेबल में 3 से गुणा करने पर 30 आता है +1, सेम यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई किया गया है +1 किया गया है, सेम यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई किया गया है +1 किया गया है, ठीक है। तो फिर अगला वाला भी ऐसे ही, यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 3 9 +1 10 आ जाएगा, तो 3 रखना पड़ेगा इसमें, सही है, 3 3 9 +1, है ना, ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट वन इसको बताएं, इसमें भी 2 मेथड, कोई सा भी मेथड अगर आप फॉलो करते हो तो बन जाता है आपसे आंसर। हो गया,
दोनों तरह से कर सकते हो, मल्टीप्लाई वाले मेथड से भी, डिफरेंस वाले मेथड से भी, दोनों से बन जाएगा। देखो सात के टेबल में ऐसे कर सकते हो, देखो 3 × 7 = 21 + 1 = 22 आ गया, 2 × 3 = 6 + 1, यानी मल्टीप्लाई करो प्लस वन करो, यहाँ पे भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे प्लस वन करोगे ये वाली संख्या। अब हमें अगली संख्या निकालने तो क्या करना पड़ेगा, 22 × 155 करेंगे पहले, लास्ट में करेंगे प्लस वन, समझ गए? तो निकालो भैया आंसर क्या होगा। एक जोड़ना भूल गए तुम लोग, सी वाले लोग वन जोड़ना भूल गए हैं, वन जोड़ो तभी आंसर आएगा, ठीक है? ओके आगे करना, इस वाले को बताइए। सोनाक्षी जी डेली आ जाया करो बच्चे, डेली कुछ ना कुछ टॉपिक स्टार्ट होता ही है, ठीक है? आज हमारे 10 PM वाले में कैलेंडर चल रहा है, क्लॉक एंड कैलेंडर। इस वाले में अभी यहाँ पे ये चल रहा है मिसिंग सीरीज एंड नंबर्स। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग डायरेक्टली सोचो कि डायरेक्टली यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन फिर जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगला टर्म नहीं आएगा। कुछ ऐसा लॉजिक लगाएं जो सभी में लग रहा हो। जैसे मान लो यहाँ पे 30 के टेबल में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते 150 आता है, प्लस 5 कर दिया, आगे भी ये फॉलो कर रहा है इंटू 5 प्लस 5, तो पीछे भी कर जाएगा फॉलो, क्या बुराई है? इंटू 5 प्लस 5 तो कर ही सकते हैं ना, इंटू 5 25 होता है, प्लस 5 कर दो, सेम आ रहा है पूरे में, ठीक है? हाँ हाँ भैया, मॉर्निंग में भी क्लास होती है, बिल्कुल होती है, 10 बजे होती है इसी चैनल पर और 11 बजे ऐप पर, अनअकैडमी पे। इंटू 5 + 5 कर दो यहाँ पे, तो आपका बन जाएगा 3905, ठीक है? सही है ना? चलो नेक्स्ट वन, एक और सवाल करना, ये भी बहुत अच्छा सवाल है करने लायक, दो लॉजिक लगेंगे इसमें भी, दोनों से एक ही आंसर आएगा। सब क्लासेस की टाइमिंग भाई बता चुकी हूँ एक ही क्लास में बहुत बार, इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, बताया गया है पूरा हर क्लासेस का टाइमिंग, ठीक है? और वीडियो के बीच में भी कई बार बताया हुआ है, ठीक है? वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, सब बताया हुआ है टाइमिंग कब कब है, ठीक है? चलो क्या बनेगा इस वाले का बताओ। देखिए डिफरेंस से भी निकाल सकते हो या फिर ये डायरेक्टली भी लिखे हुए हैं। देखो ये 4 का क्यूब + 2 लिखा है, ये 3 का क्यूब + 2 लिखा है, ये डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हुई हैं 2 का क्यूब + 2। अभी थोड़ी देर पहले बताया था +1 - 1 + 2 - 2 भी कर सकते हो, फिर 5 का क्यूब + 2 है ना, अगला 6 का क्यूब + 2 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 218। ओके क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से हम लोग। ये वाला बताइए इसमें क्या बन रहा है, चेक करें। सोनाक्षी जी डेली क्लास करेंगी तो आने लगेगा समझ में, पहले दिन समझ में थोड़ा कम आता है, क्लासेस डेली अटेंड करना शुरू कर दो, आ जाएगा समझ में।
हो गया, सब बताया है भाई, मॉर्निंग के बारे में भी बताया, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ही है, सब के बारे में बताया है, ठीक है, मॉर्निंग में भी बताया है कब होती है, शाम को भी कब होती है, सब बताया हुआ है, लास्ट में फिर से बता दूंगी। चलो यहाँ कितना आ रहा है गैपिंग, 6 का गैपिंग, यहाँ पे कितना आ रहा है 12 का, यहाँ पे आई थिंक 18 का आ रहा है ना, तो अगला 24 का आएगा, ठीक है, घटा दीजिएगा, और क्या घटाना ही पड़ेगा, 60 में से 24 घटाओगे 36 आ जाएगा, ठीक है, यह वाला बताओ। एक मिनट, हो गया, देखो जब भी कभी क्वेश्चन में हिंदी ना लिखी हो, जैसे ये सीरीज है, अब आपको इसमें सीरीज कंप्लीट करनी है, हिंदी नहीं लिखी हुई है, तो आप समझो कि इंग्लिश वाला ही कोई लॉजिक हमारा लगेगा इसमें, ठीक है, तो कैसे लगेगा, देखो यहाँ पर एक लेटर है सीरीज के हिसाब से, यहाँ एन लेटर जो है वो अपनी पोजिशन बदल रहा है बार बार, पहले नंबर पर, फिर दूसरे पर आया, फिर तीसरे पर आएगा, देखो यहाँ पर आएगा, फिर चौथे पे आएगा, फिर पांचवे, अगली बार ऐसा शब्द ढूंढो जिसमें छठवे पर आ रहा है, एन, एन छठवे पे सिर्फ सी वाले पे आ रहा है, ठीक है, समझ में आया, एक और इसी तरीके का लॉजिक लगेगा, एक और करना, ये वाला बताओ, यहाँ पे क्या रहा है, ये आई लिखा हुआ है, ठीक है, ये 15 लिखा हुआ है, इसमें लॉजिक लगी कहाँ रहा है, जो लॉजिक नहीं आ रहा है आप लोगों को समझ में, इसमें लग कौन सा लॉजिक रहा है जो नहीं आ रहा है समझ में, सीधे सीधे देखते जाना है, चार चार की गैपिंग आ रही है, तो आपका चार जुड़ जाएगा, यहाँ भी चार जुड़ेगा, आठ आएगा, नंबर्स में कितने कितने जुड़ रहे हैं, 7 के बाद 15 है, 15 के बाद 23, यानी 8 8 जुड़ रहे हैं, 31 आ जाएगा, फिर से 8 जुड़ो, तो लेटर्स में 4 जुड़ रहे थे, नंबर्स में 8 जुड़ रहे थे, तो इसमें ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं था जो नहीं लग रहा है, ठीक है, हाँ ओके, तो ये वाला क्लियर हुआ, लाइक कर दो पहले तो सारे लोग, ठीक है, और गाइस याद रखिएगा 10-15 मिनट्स बाद 10 बजे से हमारी क्लास है, आज क्लॉक कैलेंडर पूरा मिक्सअप हम लोग आज करने वाले हैं, बहुत ही बेस्ट सेशन रहेगा, 10 बजे फ्री क्लास है, लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे भी लगी हुई है, यहाँ पे भी लाइव कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी रितिका तोमर ऑफिशियल पे, ठीक है, 10 बजे से है फ्री क्लास ऐप पर, ओके, चलो बाकी इसको हम कंप्लीट करते हैं, ये वाली रात को 9 बजे रहती है जो अभी चल रही है, चेक करो इस वाले में क्या बनेगा, इंग्लिश वाला लॉजिक लगाइएगा, बट थोड़ा अलग होगा पिछले वाले क्वेश्चन से, पिछले वाले से थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है, गुड इवनिंग, हो गया,
यहाँ पे कोई एक लेटर तो नहीं बदल रहा होगा, बट थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखते तो आपको समझ में आता कि जो लास्ट के अक्षर हैं और जो शुरुआत के हर शब्द के अक्षर हैं वो देखो सेम है। यहाँ भी जो लास्ट के और शुरुआत के अक्षर सेम है, यानी अपन को लास्ट के दो अक्षर देखने आई एस और उसी से शुरू होने वाला शब्द लिखना है। ये आई एस से शुरू होने वाला है तो ये आ जाएगा, ठीक है। कोई भी एक लेटर को ध्यान से देखो या दो लेटर को ध्यान से देखो, वही कहीं कोई सीरीज बन रही होती है। इसमें चेक करिए, अब ये सारा तो तुरंत बता सकते हो, विदाउट पेन भी बता सकते हो, है ना, तो बताएगा इसमें क्या आंसर बनेगा आपका। चेक करें 30 सेकेंड्स, और जितने सेकेंड वहाँ चल रहे होते हैं लगभग उसी के अंदर आंसर करा करो, है ना। हाँ हो गया, ये देखो ये समझ में सबके आ गया होगा, ये 7 का स्क्वायर लिखा हो, ये भी समझ में आ गया होगा अगर याद होगा तो, 8 का घन लिखा है डायरेक्टली, वरना सोचते रह जाओगे कुछ समझ नहीं आएगा। कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद कर लो, 30 तक के पूर्णतः स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए कम से कम। ये आपका 6 का लिखा है, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। अगला कितने का होगा, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, 8, 7, 6, 5, अगला स्क्वायर क्यूब आएगा 4 का, डायरेक्ट लिखना है 64, ठीक है। चलो ये भी समझ में आया, वेरी गुड, ऐसे धीरे धीरे आने लगेगा समझ में। इसमें बताओ अचानक से बड़ी संख्या और फिर से छोटी संख्या आती है तो क्या करते हैं, याद होगा आप लोगों को। ये भी क्यूब्स स्क्वायर है, ये नहीं है यार, ये देखो ये सीधे जुड़ रहे हैं, 7 जुड़ रहे हैं, फिर 7 जुड़ रहे हैं, तो अगली बार फिर से 7 जुड़ेंगे और यहाँ कम हो रहे हैं, 5 5 5 5 लेस हो रहे हैं, तो फिर से 5 लेस हो जाएंगे। यहाँ क्यूब्स और स्क्वायर नहीं है, डायरेक्टली कम करने वाला लॉजिक है, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। ओके, इसमें सबसे पहले 50% सीरीज में डिफरेंस वाला ही लॉजिक लगाया करो, बचे कुछ स्क्वायर्स क्यूब्स वाले लगा सकते हो, है ना। क्या था ये, 9 का अंतर था यहाँ पे, 18 का यहाँ पे दिख रहा होगा, 27 का, यानी 9 की टेबल का ही डिफरेंस आता जा रहा है, तो डेफिनेटली अगला 36 का अंतर आएगा। जोड़ देते 69 में, जैसे आप 36 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 105, ठीक है। हाँ यहाँ पर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करें, क्लास टाइम है 9 बजे से और 10 बजे इसी के बाद ऐप पर। आज का सेशन है क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक कैलेंडर सीरीज सारा, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा इसी के बाद। चलो बन गया, देखो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी, लेकिन बीच में क्या बन रहा है, डिवाइड बाय 2, यहाँ भी डिवाइड बाय 2, अगला भी डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, सत्ताईस। चलो यहाँ पे हाँ मेरा नाम ये लिखा हुआ है, कुछ लोग नाम पूछ रहे हैं, ये लिखा हुआ है मेरा नाम, ठीक है, रितिका तोमर। इधर भी डिफरेंस वाला ही लग रहा था, 4 का अंतर, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का है,
यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे 12 का है, 14 का है, तो अगला 16 का आएगा, 2, 6, 4, 8, 10, 12, 14, फिर अगला 16 का आएगा, तो 16 कर देना, 26 में 16 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 72, ठीक है। नेक्स्ट, हो गया, चलो डन। यहाँ पर आप देखोगे चार, दो का अंतर, एक का अंतर आ रहा है। सबसे पहला जो डिफरेंस आया वो एक का आया, ठीक है। यहाँ पर चार का आ रहा होगा, यहाँ 27 का और यहाँ पे 16 का। पहले तो डिफरेंस निकाल ही लो, तभी आप पैटर्न बना पाओगे। डिफरेंस निकालने के बाद समझ में आया कि ये क्यूब्स और स्क्वायर्स लिखे हुए हों, समझ में आ गया होगा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का क्यूब लिखा है, ये 4 का स्क्वायर लिखा है, और ये लिखा है 1 का क्यूब, या स्क्वायर मान लो या क्यूब मान लो, 1 को तो कुछ भी मान लो, एक ही बात होती है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, इस तरीके से जुड़ रहे हैं। तो आप लोग अगला जोड़ोगे 5 का क्यूब, यानी कि 125 हमें ऐड करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे इस वाली संख्या में। जोड़ दीजिए, ठीक है, 49 में 125 जोड़ दो, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 174, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल पे आते हैं। हो गया, देखो यहाँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये वाला ही आ रहा है, दिख रहा होगा, डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये वाला आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये संख्या आ रही है, यानी अगला लाने के लिए लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 × 108 सॉरी 1944 आ जाएगा, 1944, ठीक है। गुड इवनिंग, थोड़ा जल्दी आना है, 9 बजे का टाइम है, अभी ख़त्म होने वाली क्लास, कैलेंडर का क्लास इसी के बाद में है, हाँ 10 बजे से है, इसी के बाद में, बाद में भी देख सकते हो, बट अभी लाइव चलेगी 10 बजे से ऐप पर, ये रही लिंक, ये लगी हुई है फ्री, ठीक है, ये 10 बजे वाली क्लास लिंक ऊपर लगी हुई है, फ्री क्लास है, इसी के बाद है क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है। चलो फिलहाल हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, एक मिनट, डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो और ऐप से ऊपर लिंक से तो जुड़ ही सकते हैं। चलिए इसका क्या होगा भाई, बताइए इस वाले में क्या आंसर आएगा। हाँ अभी थोड़ा टाइम है, 5 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐप में जुड़ जाओ इस वाले में, नहीं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर, ठीक है।
टेलीग्राम से मिल जाएगी लिंक, या फिर डायरेक्टली मेरा नाम सर्च कर लीजिए रितिका तोमर ऐप पे, तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बता दूंगी लास्ट में कैसे स्टार्ट करना है। एक तो होता है पूरा, उसका कुछ भाग। तो आर्क किसका पार्ट होता है इनमें से? सर्कल का, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा सर्कल पढ़ते हैं मैथ्स में, उसका पार्ट होता है आर्क। तो आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, वृत्त का, वृत्त का भाग है आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पे हाँ विजय भाई क्लास रोज होती है लाइव, एक दिन पढ़ के क्या होगा मेरे भाई, रोज ही होती है, ये वाली हो या ऐप वाली हो रोज होती है, एक दिन पढ़ के वैसे भी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ क्या लिखा था, क्या पैटर्न बन रहा था? टी के सामने सात लिखा है तो समझ जाओ उसके अपोजिट लेटर्स का पूरा नंबर लिखा है। ए का अपोजिट जेड, जेड का नंबर, एन का अपोजिट उसका नंबर लिखा है, यानी लेटर्स के जो अपोजिट है उनका नंबर लिखा जाएगा। तो लिखो आप लोग भी, कार्गो का लिख दो, सी का उल्टा एक्स होता है, ए का जेड, आर का आई होता है, ठीक है, और जी का क्या होता है टी, ओ का क्या होता है एल, उल्टा उसका अपोजिट लिख दो आप। 24, 26, 9, बी और 12, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसमें सेकेंड वाले पे टिक कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके। यहाँ बताओ भाई, ड्रामा बनता है बहुत सारे सीन्स को मिलाकर, किताब बनती है किससे? बहुत सारे। अपोजिट के प्लेस वैल्यू लिखे हुए थे, किताब बनती है बहुत सारे चैप्टर्स से मिलकर, जो उसके अंदर पार्ट होते हैं, लेसन्स होते हैं, उनसे मिलकर। ठीक है, स्टोरी नहीं आएगा, हर किताब में स्टोरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ किताबें ड्रामा की, फिक्शन की होती है, स्टोरी की हो हर किताब, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलो ये 9 PM वाला सेशन अभी हम एंड कर रहे हैं, इसके बाद वाला सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 PM फ्री वाला अन अकेडमी पर। आज पढ़ेंगे क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है, सीरीज़, बहुत ही बेस्ट सेशन रहेगा, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, 10 PM फ्री क्लास है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बता देती हूँ पहला तरीका कैसे है क्लास में ज्वाइन करने का, इसके बाद ऐप पर ये जो लिंक आपको, अगर आपके चैट सेक्शन में जहाँ आप आंसर दे रहे हो वहाँ पर ऊपर एक लिंक दिख रही होगी, डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके मोबाइल में अगर ऐप है तो स्टार्ट हो जाएगी क्लास। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप लोग सभी टेलीग्राम चैनल पर हमारे ज्वाइन कर लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर भी मैं अभी लिंक शेयर करूँगी 10 PM के नाम से, तो उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ेगा, पहले सर्च करके मेरे इस चैनल पर ज्वाइन कर लो, तब वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका ये है, इम्पॉर्टेंट क्लास है, सभी को ज्वाइन करना है इसके बाद वाला। तीसरा तरीका ये है, आप डायरेक्टली मेरा कोड, ये नाम सर्च करें ऐप पर, सीधे सीधे नाम सर्च कर लीजिए मेरा, रितिका तोमर ऐप पर, ऊपर सर्चिंग ऑप्शन आता है वहाँ से भी मिल जाएगा। कोड पूछता है, बहुत सारे लोगों को कोड का प्रॉब्लम है, अगर कोड पूछेगा तो क्या करें, ये लगा सकते हैं, ये कोड है रितिका 10, RITIKA 10, ये कोड है अगली क्लास का। ठीक है, तो सारे लोग जुड़ जाइए, है ना, फटाफट से, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और एक ऐसे ये सारे फीचर्स आपको ऐप पर ही मिलेंगे, देखो ऐप का ये पहला पेज है, ये रहा अन अकेडमी ऐप का ये पहला पेज है, ऊपर सर्चिंग ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे सर्च कर सकते हो, नाम नाम सर्च करने से डायरेक्टली मिल जाता है लिंक। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगली क्लास, और ये कोड है सामने लिखा हुआ है, जो इस कोड से मिल जाएगा डिस्काउंट भी 20% का, मेरे कोड से ही मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करना चाह रहे हो ऐप को तो। ठीक है, कॉइंस के साथ, ओके। चलिए, वीडियो के स्टार्टिंग में सारा टाइमिंग्स वगैरह बताया, देख लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, स्टार्टिंग में सारे टाइमिंग्स बताएं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, टाइमिंग्स देख लेना क्लासेस की क्या क्या है। ये टेलीग्राम है, इस पर ज्वाइन कर लो, यहाँ से भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है डायरेक्टली, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इस लिंक से डायरेक्टली मिल जाता है आप लोगों को क्लास, फिर भी अगर नहीं मिल पा रहा है देन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पे हम कल कंटिन्यू करेंगे क्लास को, अभी चलते हैं ऐप वाले क्लास में,
जितने भी लोग हैं अभी ज्वाइन कर लो इस लिंक पर क्लिक करके, ऐप पर मिलेंगे 10 बजे से, फ्री है। क्लॉक कैलेंडर सीरीज़ का सेशन है, इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन करिए। बेसिक से वो बैच चल रहा है, सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके चले, थैंक यू। यहाँ कल कंटिन्यू करेंगे रात को 9 बजे। थैंक यू। लिंक एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगी सभी को। ये है ये लिंक, और ये टेलीग्राम है, यहाँ से भी मिल जाएगा लिंक। ओके, कोड लगाना है तो रितिका 10 लगा सकते हैं, RITIKA 10। ओके चलिए, थैंक यू।